महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ के दिशा निर्देशानुसार मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया। वैक्सीनेशन की सुविधा को भक्तों द्वारा बाबा महाकाल का आशीर्वाद बताया गया। दरअसल महाकाल मंदिर में पूरे देश प्रदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसी के चलते उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह की मंशा अनुसार महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए महाकाल मंदिर प्रशासक में मंदिर परिसर के गेट पर ही व्यक्ति के वैक्सीनेशन की सुविधा रखी गई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें वैक्सीन के डोज भी लगाए जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को महाकाल मंदिर समिति द्वारा 112 दर्शनार्थियों को इसका लाभ मिला। इंदौर से साइकिल से आए श्रद्धालु राम बनागर ने बताया कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, आज मुझे बाबा महाकाल के दो आशीर्वाद मिले। वहीं कई श्रद्धालुओं ने भी वैक्सीनेशन सुविधा की तारीफ की। मैं इधर महाकाल के दर्शन करने के लिए आया था, पर महाकाल ने मेरे को दो आशीर्वाद दे दिए कि उनके दर्शन भी हो गए और साथ में वैक्सीनेशन भी हो गया मेरा यहाँ पे सेकंड डोज। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे को दो आशीर्वाद मिले आज। मैं इंदौर से साइकिल से आया हूँ और यहाँ से अब उज्जैन से मैं ओंकारेश्वर जाऊँगा साइकिल से।